वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर वन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चे मोस्टली जो यूजीसी नेट जिनका नहीं निकलता है उनके मेन रीजन है पेपर वन। और रियल में ये जो पेपर वन है इसके जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो इतनी डेप्थ में से पूछे जाते हैं, इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर दे पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आसान नहीं है। तो हमारे पास मार्केट में एक बुक आती है केवीएस मैदान की, जो कि पेपर वन के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो मैं आपको ये जो पेपर वन का और ये जो केवीएस मैदान की बुक है उसका आपको एक कंपेरिजन करके देने वाला हूँ कि क्या ये बुक जो है ये सफिशिएंट है पेपर वन के लिए। तो ये जो डाउट है ये बहुत सारे बच्चे, हम सब ने, जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी करता है या करेगा वो इस बुक को ज़रूर परचेज करेगा। और मैंने भी तीन साल पहले इस बुक को ख़रीदा था। तो उस बुक के अंदर मेरे को काफ़ी सारी खामियां नज़र आई कुछ बुक की, अगर ये बुक ऐसे ही बच्चे खरीदते रहे तो उनका यूजीसी नेट कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, यानी कि उनको पास नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बारीकियां इस बुक की और इस पेपर की बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा पेपर वन को डील करने में, पेपर वन को हैंडल करने में। आपके पास पेपर वन के 10 यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने ये पाया, मैंने पीछे के 4-5 सालों के पेपर्स उठा के देखे तो ये जो दो यूनिट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दो यूनिट्स जो हैं इस केवीएस मैदान से अगर आप कवर करते हैं तो ठीक है। ये केवीएस मैदान से बुक को अगर आप कवर करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड तो कुछ हद तक काफ़ी ठीक है। दो यूनिट्स बहुत अच्छे से कवर की गई हैं, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मगर बाकी की हमारे पास 8 यूनिट्स बचती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो यूनिट्स हैं 8 यूनिट्स, ये यूनिट आप इस बुक के अगर भरोसे रहेंगे तो आपका पेपर वन जो है वो निकलेगा नहीं। यानी कि ये जो 8 यूनिट्स हैं इस बुक में जो 8 यूनिट्स एक्सप्लेन की गई हैं, जो दी गई हैं, ये सफिशियंट है नहीं। यानी कि इनका जो पैटर्न है, ये पेपर का पैटर्न काफ़ी हाई चला गया है। और इस बुक में जो ये जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने 8 यूनिट्स का, नीचे वाली यूनिट्स का, उनको कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो स्टार्टिंग की दो यूनिट हैं वो यहाँ से कवर कीजिए। बाकी बचता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो आप इसके लिए कोई स्पेशल बुक निकालिए और अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, आप उसको वहाँ से कवर करें। कॉम्प्रीहेंशन आपको रीडिंग जो है, ये आप कोई भी न्यूज़पेपर जो है, आर्टिकल है, आप उसको पढ़ें, क्योंकि रीडिंग मेक्स मैन कम्प्लीट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। यानी कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपके सामने नए नए वर्ड्स आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगी। तो आप कॉम्प्रीहेंशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं गो थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग करके आप उसको कवर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, एक दो बुक्स को आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये आप कोई भी मैथमेटिक्स की, जैसे जो RS अग्रवाल है, ये काफ़ी अच्छा इनका एडिशन आता है। तो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग है वो आप वहाँ से कवर करें। आप इस KVS मैदान के भरोसे ना रहें तो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग है वो मैथमेटिक्स के आप किसी भी बुक से, बहुत सारी बुक कंपटीशन की बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप कवर करें। DI और ICT, जो DI है इसका लेवल काफ़ी हाई हो गया है, यानी कि DI जो है, अगर आप 18 जून वाला अगर पेपर देखें तो DI भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछी गई है। तो इस बुक के अंदर मुझे नहीं लगता कि DI जिस तरीके से दे रखी है वो एग्ज़ाम में आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो DI भी आप बाहर से करें, ICT को भी आप बाहर से करें। नेक्स्ट हमारे पास दो इम्पोर्टेंट यूनिट बचती हैं, वैसे ये तीनों की तीनों यूनिट इम्पोर्टेंट है, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये तीन यूनिट्स हैं, ये अच्छे मार्क्स को गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तीन यूनिट्स, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप जो 18 जून का जो पेपर हुआ है Shift 1 और Shift 2 का, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, आप उसे चेक करें। उसका सोल्यूशन जो है वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने उनको सोल्व किया है। तो वहाँ से आपको, यहाँ से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे,
आपको आईसीटी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 15 क्वेश्चंस हैं ये 30 मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो आपको ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आईसीटी को, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन को। ये अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने ठीक से इन यूनिट्स को कवर कर लिया तो आपका पेपर वन बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर किसी बच्चे का फिर भी मैथमेटिक्स इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, मगर फिर भी एक एडवाइस है कि आप जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है इसको आप कवर करें जैसे तैसे करके, कैसे भी करके, और डीआई को आप छोड़ सकती हैं। जी हाँ, छोड़ सकते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि आप 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में आप इतना टाइम लगा दें कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ही छूट जाएं। तो अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपके जो बाकी जो आपकी 9 यूनिट्स बचती हैं इसके ऊपर फोकस करें। तो मैंने आपको बता दिया है फाइनल सॉल्यूशन कि ये जो बुक है टीवीएस मैदान की, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड इसके लिए सफिशिएंट है, 2 यूनिट आप कवर कर सकते हैं। बाकी 8 यूनिट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे या फिर और जो नई बुक्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आप उनका सहारा लें। अदरवाइज आप इस बुक के भरोसे तो आप नेट का जो पेपर वन है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको रियल में हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड।